तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज 1 जनवरी है, हैप्पी न्यू ईयर। हम लोग जा रहे हैं नौगांव महामृत्युंजय मंदिर। नौगांव में है, जो गुवाहाटी से 3 घंटे का रास्ता है, 3 घंटा लगता है पहुंचने में। चलिए आज आपको भी लेके चलते हैं। यहाँ पे मेरी फैमिली, मैं, मेरी मम्मी पापा और मेरी भाभी और मेरी बेटी, मेरा बेटा और मेरा 2 भतीजा, हम लोग सब जा रहे हैं। ये देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है सुबह सुबह का, पहाड़, रास्ता भी खाली है। और ये जागी रोड पहुंचकर हम लोग देवखाल मंदिर में आए, जो कि ये जागी रोड में है। यहाँ भी हम लोग सबको पूजा किए, कुछ फ़ोटोज़ वगैरह लिए, उसके बाद फिर नौगांव की ओर चले गए, महामृत्युंजय मंदिर की ओर, फिर आगे बढ़े। देवखाल मंदिर में भी काफ़ी भीड़ थी, फिर हम लोग वहाँ से निकल के फिर आगे बढ़े नौगांव के लिए। देवखाल मंदिर के भी बाहर पर काफ़ी सामान मिल रहा था, जैसे टॉयस हो या फिर सोपीस हो या फिर पूजा का सामान हो, बहुत सारा चीज़ वहाँ पे मिल रहा था। डमरू, बच्चों का डमरू, बहुत सारा हाथ से बना हुआ लकड़ी का सामान। देवखाल मंदिर से निकलने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़े महामृत्युंजय मंदिर जाने के लिए, नौगांव के लिए। यहाँ भी पूरा रास्ता खाली था और बहुत ही अच्छा लग रहा था जाके हाईवे से। पहुंचने ही वाले हैं, लगभग पास ही, बहुत पास आ गए हैं मंदिर के, अब हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। ये देखिए हम लोग पहुंच गए, आपको दूर से दिख रहा होगा शिवलिंग, बहुत बड़ा महामृत्युंजय मंदिर, वहीं पे हम लोग आ गए हैं। अभी हम लोग गाड़ी पार्क करेंगे, कुछ प्रसाद लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मंदिर के पास ही एक छोटी सी हाथी खड़ी थी, जो सब फ़ोटो खिंचवा रहे थे उनके पास जा कर के। वहाँ पर सबको जाके बार बार फ़ोटो खिंचवा रहे थे। मेरी भी बेटी गई और एक बनाना खिलाई, जो कि बहुत बाद में खुश हो गई, उसके हाथ से बनाना खाए एलिफेंट ने, तो वो बहुत खुश हो गई। सीढ़ी है और 1 जनवरी होने के कारण काफ़ी ज़्यादा भीड़ था और बहुत लंबा लाइन था, तो हम लोगों को काफ़ी टाइम लगा अंदर दर्शन करने के लिए। मंदिर के अंदर जाने के बाद इतना अच्छा और इतना शांति लग रहा था। ये देखिए लाइन कितना लंबा है, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सारे लाइन लगे हुए हैं अंदर जाने के लिए। और एक चीज़ है, मंदिर में, मंदिर के पास, मंदिर के आसपास रहकर इतना अच्छा लग रहा था, और मतलब लग रहा था हाँ कुछ है, आज सबको दर्शन करने के लिए आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा था। और काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन भी था मंदिर। ये मेन एंट्री गेट है, यहाँ से सब दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। हमारा दर्शन भी अच्छे से हो गया, फिर हम लोग बाहर आ गए। बाहर आके फिर मैं अभी जा रही हूँ जहाँ पार्किंग है, हमारी गाड़ी लगी हुई है पार्किंग में, वहाँ हम लोग जा रहे हैं। और मेरे निकलने के बाद और काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई थी और काफ़ी ज़्यादा लाइन नीचे तक आ गई है।
अच्छे से दर्शन होने के बाद हम लोग निकल गए मंदिर से। फिर हम लोग गाड़ी में बैठ के हम लोग आगे की ओर चले गए, हम लोग घर की ओर निकले। फिर हम लोगों ने एक जगह रास्ते में उतर के हम लोग घर से बहुत सारा खाना बना कर लाए थे। और देखिए इतना अच्छा जगह पे हम लोग बैठ के खाए, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ऐसे लगा हुआ था ब्रेंच और बैठने का। तो फिर हम लोग यहीं पे बैठ के सब बच्चे, सारे बच्चे, मम्मी, भाभी और हम लोग सबको बैठ के खाए। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए फिर अपने घर की ओर। ये ब्लॉग यहीं पे एंड होता है। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।